चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के अक्षय कुमार और राधिका आप्टे की नई फिल्म पैडमैन भले ही उम्मीद के मुताबिक कारोबार करने में असफल रही है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक प्रदर्शन किया है। जी हाँ, अक्षय कुमार और राधिका आप्टे के साथ साथ सोनम कपूर की पैडमैन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाना चालू कर रखा है। जी हाँ, सिनेमाघरों में करीब 12 दिन का सफर तय कर चुकी पैडमैन ने एक जबरदस्त आंकड़ा पूरा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट तरण आदर्श के अनुसार फिल्म ने अब तक करीब करीब 48 करोड़ का कारोबार तो बाहर से ही किया है और इंडिया के बॉक्स ऑफिस पर करीब करीब 78 करोड़ का कारोबार पूरा कर लिया है। यानी अब फिल्म 100 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाला है। देखा जाए तो फिल्म तीसरे वीकेंड खत्म होते होते ही करीब करीब 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर सकती है। फिल्म पैडमैन भले ही स्लो ओपनिंग हुई है, लेकिन अक्षय कुमार और राधिका आप्टे के साथ साथ सोनम कपूर के अभिनय को लोग जम के तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि इसी शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर दो फिल्में रिलीज हो रही है। अब देखना यह है दो फिल्मों के साथ पैडमैन फिर से बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बरकरार रख पाती है या नहीं। लेकिन फिल्म ने जिस तरीके से 100 करोड़ के क्लब में एंट्री लिया है वही वाकई ही धमाकेदार बात है। आपको बता दें कि फिल्म पैडमैन के निर्माता खुद अक्षय कुमार की बीवी ट्विंकल खन्ना है।